नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज 17 अगस्त है और बुधवार का दिन, तो अपडेट शुरू करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश की सोलन सब्जी मंडी का। वहां के बाज़ार आपको बताते हैं क्या कुछ सौदे यहां पर हैं और क्या कुछ बाज़ार उसके रहते हैं। तो अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और फॉलो कीजिए किसान न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप जो है ज़रूर हमारे पेज पर जाइए। हम रोज़ाना जो है वो फल सब्जियों के भाव का सबसे पहले वीडियो डालते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च और बीन की ऑक्शन आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद रखते हैं टमाटर के बाज़ार। टमाटर की जो ऑक्शनें रहती है वो हम लाइव अपडेट आप लोगों के साथ करते हैं, और उसके बाद हमारा सेब का कवरेज शुरू होता है। तो ये सारी गतिविधियाँ हम रोज़ाना कवर करते हैं, और आप साथ ही अगर नोटिफिकेशन नहीं पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर रोज़ाना विजिट कीजिए। सुबह 7 बजे जो है वीडियो डल जाता है पहला, और उसके बाद लगातार वीडियोज़ जो है हमारे पेज पर रहते हैं। तो चलिए साथियों, और आज का अपडेट लेते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ अपडेट हमें आज देखने सुनने को मिलने वाला है। तो चलिए, 17 नंबर शॉप पर हम हैं और सौरभ वर्मा जी हमारे साथ हैं, जगत फ्रूट कंपनी JFC। तो यहाँ से जानते हैं क्या अपडेट है आज फल सब्जियों का। सौरभ भाई मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। मॉर्निंग, कैसे सौरभ भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौसम अब खुलना शुरू हुआ कुछ? खुलना भी हुआ था शुरू, पर आज फिर वैसा ही लग रहा है। नहीं, आज तो मौसम वैसे बादल ही है, बारिश कम बताइए। हाँ, वैसे भी 20 तारीख तक थोड़ा मौसम खराब ही चल रहा है अभी। चलिए सौरभ भाई, बाजार कैसा है? थोड़ा सा चहल पहल फिर भी बड़ी है। चहल पहल तो बड़ी है जी, एक्चुअली यहाँ पे सौदे कमा रहे हैं और लोगों को माल नहीं मिल रहा है। माल नहीं मिल रहा, रोड का भी इशू है। रोड का इशू है जी, ये तो जो आप देख रहे हैं ये लोकल सौदे हैं मोस्टली। तो चलिए टमाटर से शुरुआत करते हैं। टमाटर क्या बिक रहा है परचून में? परचून में आज तो हमने 1000 रुपये बेचा जी टमाटर जी। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च भी हमने 30 से 35 रुपये किलो। 30 से 35। बीन? बीन भी आपकी 50 रुपये किलो बिकी जी। 50 रुपये। और लोबिया? लोबिया जो आज बिक रहा है जी आपका 30 रुपये किलो। तेज मिर्च? हरी मिर्च बहुत बढ़िया आई है जी लोकल जी। ये बिक रही है 50 से लेकर 55 रुपये किलो तक। और अचारी मिर्च आती है जी? अचारी मिर्च 30 रुपये किलो जी। बैंगन? बैंगन भी आपके ये बिक रहे हैं जी 30 रुपये किलो। अलग अलग वैरायटी जी जी, एक भरते वाला है वो 40 रुपये किलो है। गोल जो होता है? गोल वाला। और भिंडी? भिंडी आपकी 20 से 25 रुपये। हरा धनिया? हरा धनिया का बाज़ार काफ़ी महंगा है जी, और ये बिक रहा है आज 60 से लेकर 80 रुपये किलो तक। और बात करें हम गाजर? गाजर बिक रही है जी 20 से 25 रुपये। बंद गोभी? बंद गोभी भी आज बहुत महंगी है जी, आपका कम से कम 1500-1600 रुपये कट्टा, ये आपको पड़ गई 30 से 32 रुपये किलो। अच्छा, बंद गोभी का बाज़ार जी जी आई नहीं थी। फूल गोभी भी आपकी 20 से 25 रुपये किलो। 20 रुपये, मतलब फूल गोभी से महंगी हो गई है बंद गोभी? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारे पास फूल गोभी आ रही है वो इतना बढ़िया ब्रांड नहीं आ रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी की अगर बात करें तो फिर 35 से 40 रुपये रेट है गोभी का जी। लोकल जो गोभी आ रही है वो आपकी हल्की है? हाँ जी। और जो लाहौल वाली है वो महंगी है। कद्दू? कद्दू आपका 20 रुपये किलो जी। ब्रोकली? ब्रोकली भी आपकी लमसम 80 से 100 रुपये। मटर? मटर भी आपकी 80 से 100 रुपये जी। और खीरा? खीरा भी नहीं है। खीरा आपका ये पहाड़ी आ रहा है जी, आज थोड़ा डाउन, इसका बाज़ार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जी, आज बिक रहा है ये 5 से लेकर 8 रुपये किलो तक। अच्छा। और दूसरा सीडलेस आता है जी? सीडलेस 20 रुपये किलो जी। 20 रुपये किलो। मूली? मूली बिक रही है सर 30 रुपये किलो। घिया? घिया बिक रहा है सर 25 रुपये। और भिंडी? भिंडी आपने बता दी। तेज मिर्च बता दी है। करेला? करेला भी आपका 30 रुपये किलो जी। अरबी? अरबी आपकी 40 रुपये किलो। अदरक? अदरक के 2 बाज़ार हैं जी आपके, लोकल जो बिक रहा है आपका पुराना अदरक वो 150 रुपये, 140, और जो नया अदरक है वो आपका 180-190। नींबू भी आपके 50 से 60 रुपये किलो जी। पालक? पालक बिक रही है जी 30 रुपये किलो। चुकंदर? चुकंदर भी आपका 20 रुपये किलो जी। और ग्वारफली?
गवार फली भी आपकी 30 रुपये शायद। ड्रम स्टिक तो आ नहीं रही जी अभी। कुंदरू परवल परवल आपके 35 से 40 और कुंदरू अभी है नहीं जी। मशरूम आपकी 100 से लेकर 130 रुपये। कटहल भी आपका 35 से 40 रुपये किलो। काली तोरी आपकी 35 रुपये किलो। शलगम भी आपका आ नहीं रहा वैसे, पर परसों था आया हुआ तो वो बिका था 40 रुपये किलो। जुगनी का भी बाज़ार बहुत महंगा है जी, 50 से लेकर 70 रुपये किलो तक। ठीक है जी। हरा प्याज आ रही है? हरा प्याज नहीं आ रहा जी। हरा टिंडा आ रहा है जी 40 रुपये किलो। आलू भी आपका महंगा हो गया जी, 22-23 रुपये किलो। प्याज भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया सर, 23 रुपये किलो के आसपास पहुंच गया जी। जी डाउन आने के आसार हैं? नहीं, आप देख नहीं रहे कि क्या हाल हैं इंडिया के, पानी भरा हुआ हर जगह, तो प्याज के रेट तो बढ़ेंगे। लहसुन भी आपके परचून के रेट है जी 80 से लेकर 130-140। होलसेल में भी लगभग यही चल रहा है जी। जी और बीज का लहसुन आपका 120 से 140। फ्रूट्स पे आते हैं जी, अमरूद आपका 25 रुपये किलो है जी। अच्छा जी, ये वाला जी। जी अच्छा जी। और सेब जो ये है जी यहाँ पर, सेब ये बिक रहा है जी आपका 30 रुपये किलो गोल्डन करेटो वाला। नारियल 25 रुपये पीस है जी। डाब वाला नारियल भी आपका 50 रुपये पीस है। केला आपका 450 से 480। अमरूद 25 रुपये किलो। और सेब किन्नू या माल्टा आपका महंगा है जी 1550-1600 के बीच में, 150 रुपये किलो। कीवी आपकी भी 500 से लेकर 800 रुपये। ये 30 पीस का बॉक्स जी। पपीता आपका 35 से 40 रुपये किलो। आम आपका अब बंद हो गया जी आना, चौसा आ रहा है फिलहाल, तो चौसे का रेट 40 रुपये किलो ही। तरबूज भी आपका महंगा है जी 40 से 45 रुपये किलो, और खरबूजा तो आ नहीं रहा। हाँ जी, अंगूर नहीं आ रही है। अनानास आपका 60 से 65 रुपये किलो। चलिए फ्रूट में कोई और आइटम, ड्रैगन फ्रूट आ रहा है? ड्रैगन नहीं आ रहा जी। तो लास्ट में सौरभ भाई मोबाइल नंबर, शॉप नंबर 17 और मोबाइल नंबर 9805121372। चलिए बहुत थैंक यू सर। तो साथियों ये था आज का फल सब्जियों के थोक भाव का रेट अपडेट, और थोड़ी देर बाद जब ऑक्शनें होंगी तो वो सारे बाज़ार भी आपके साथ रखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी वीडियो आगे तक पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारा वीडियो देख पाएंगे। आजकल काफ़ी समस्या आ रही है, फेसबुक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, तो इसकी वजह से हमारे फॉलोअर्स को अपडेट पता ही नहीं चलती है कि हमने जो है वीडियो डाल दिया है। तो आप शेयर जो साथी देखते हैं रोज़ाना, हमारे पेज पर भी विज़िट करते हैं, तो वो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी हमारी अपडेट पहुंच सके जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप लाइक फॉलो जरूर कीजिए, कमेंट करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, ये ज़रूरी है। हमारी भी कोशिश है कि आप तक लोगों तक जो है वो अपडेट हम पहुंचाते रहे, लेकिन कई दफ़ा अब फेसबुक के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है और ये चीज़ें कंट्रोल कर पाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलिए आने वाले समय में कुछ और बदलाव हम करने वाले हैं ताकि आपको बेहतर अपडेट मिल सके, वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।